दोस्तों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो जी हाँ, आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम कैसे डाउनलोड करेंगे, वो भी प्ले स्टोर से। तो इस वीडियो में ही लाइव करके दिखाएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले भी इसी टॉपिक पर वीडियो बनाया था, तो इस वीडियो पर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा और अच्छा प्यार रहा, तो वीडियो काफ़ी अच्छा वायरल हुआ है और वीडियो पर अभी भी व्यू आ रहा है। तो जी हाँ, इस वीडियो में यही बताएंगे। और वीडियो में आज हम दो स्टेप बताएंगे कि दो तरीके से बताएंगे कि कैसे आप इंस्टॉल करते हैं। तो सीधे पहले मैं आपको प्ले स्टोर से बताऊंगा, बट इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में शो हो रहे बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना, ताकि जब हम कोई ऐसा ही वीडियो लाएं उसका भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए सीधे चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर ओपन करना होगा और यहाँ पर प्ले स्टोर पर टाइप करना होगा बैटल ग्राउंड। तो जी हाँ, जैसे ही आप टाइप कर देंगे तो यहाँ पर आपको नीचे आना स्क्रॉल करके। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर अभी आपको एप्लीकेशन दिखाई दे जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड में। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यही गेम है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो जी हाँ, इसी को आपको इंस्टॉल करना है, जो कि 721 MB की है। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर इंस्टॉल जैसे ही लगा देंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले आपको बता देगा कि नाउ ओवर एनी नेटवर्क डाटा चार्ज माई अप्लाई, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पर इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगा। तो पहले तरीका यही है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं और दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं, जो कि ब्राउज़र से आपको अपलोड करना है यानी डाउनलोड करना है। सो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं क्योंकि मुझे डाउनलोड नहीं करना है। तो अब सीधे चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ से आपको बताते हैं, यदि आपके प्ले स्टोर में नहीं आ रहा है तो ये दूसरा तरीका आपको लीगली वर्क करेगा आपके मोबाइल में भी। तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ से आपको गूगल में सर्च करना होगा BGMI। तो जी हाँ, आपको सिर्फ इतना ही सर्च करना होगा BGMI। तो यहाँ पर जैसे ही सर्च कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने टॉप पर वेबसाइट मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जी हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी पर क्लिक कर देना होगा, तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर लिखा है ईयरली एक्सेस नाउ। तो जी हाँ, आपको इसी पर क्लिक कर देना होगा, जो कि देख सकते हैं लिखा है ईयरली एक्सेस नाउ। तो इसी पर आपको क्लिक करना होगा, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा होगा, देख सकते हैं, वेलकम टू द टेस्टिंग प्रोग्राम। तो यह अभी टेस्टिंग मोड में है, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो अब आपको कहाँ पर क्लिक करना है, तो आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, डाउनलोड इट गूगल प्ले। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए फिर से वही गूगल प्ले पर आ चुका है, यानी गूगल प्ले स्टोर पर। तो आपको यहाँ से फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फिर से इंस्टॉल लगा देता हूँ, तो यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन देगा। तो यहाँ पर मैं डाटा पे अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वाईफाई से नहीं डाउनलोड करना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी पेंडिंग में है, तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही डाउनलोड होगा तो यहाँ से आप प्ले कर लेना और यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मुझे कैंसिल करना है, मुझे प्ले नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 721 MB की एप्लीकेशन है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था कि इसे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो लेकर के। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।